अयोध्या में 6 दिसंबर को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण के साथ सौर दिवस की भी एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर में बताया गया कि मंदिर वहीं बनेगा और मंदिर वहीं बन रहा है। ट्रस्ट के द्वारा जारी किए गए इस फोटो को लेकर महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर में लगने वाले नक्काशीदार पत्थर एक के ऊपर एक रखकर ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और मुझे लगता है कि प्लिंथ के ऊपर 10 से 12 फुट ऊंचाई तक पत्थर रखे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण में बहुत से खंभे भी खड़े कर दिए गए थे। गर्भगृह में मार्बल के खंभों को भी खड़ा कर दिया गया है। गर्भगृह के बाहर भी जहां एक दरवाजा आएगा वहां तक खंभे भी खड़े हो गए हैं। यह तो एक प्रगति है जो तस्वीरों के माध्यम से बताई गई है। वहीं शौर्य दिवस को लेकर जारी किए गए तस्वीर पर भी चंपत राय ने कहा कि 1992 को गीता जयंती थी। गीता निराश हताश शस्त्र को कोने में रखकर गर्दन पकड़कर बैठने वाले अर्जुन का दिन है और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि युद्ध करो और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती का दिन था और गीता एक निराश आदमी को सक्रिय करने का प्रमाण है, इसलिए वह शौर्य का दिन है। 6 दिसंबर जिस उद्देश्य के लिए था वह उद्देश्य पूरा हो गया, वह कार्य चल रहा है। मंदिर में लगने वाले नक्काशीदार पत्थर वो एक के ऊपर एक रखकर मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और मुझे लगता है प्लिंथ के ऊपर कम से कम 10 से 12 फीट ऊंचाई तक पत्थर रखे जा चुके हैं। बहुत से खंभे भी खड़े कर दिए गए हैं। गर्भगृह में मार्बल के खंभे खड़े हो गए हैं। गर्भगृह के बाहर भी जहां दरवाज़ा आएगा वहां भी खंभे खड़े हो गए। तो ये एक प्रगति है आप लोगों को दी है। 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती थी। गीता निराश हताश शस्त्र को कोने में रखकर गर्दन पकड़कर बैठने वाले अर्जुन का दिन है और भगवान कृष्ण उसको प्रोत्साहित करते हैं युद्ध कर युद्ध कर और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती का दिन था और गीता एक निराश आदमी को सक्रिय करने का प्रमाण है, इसलिए वो शौर्य का दिन है। शेष 6 दिसंबर जिस उद्देश्य के लिए था वो उद्देश्य पूरा हो गया, वो काम चल रहा है। 6 दिसंबर 30 साल पुराना है, लड़ाई तो 500 साल से चल रही है। 6 दिसंबर को अनेक लोग शरीर छोड़ गए,